हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट देने के लिए। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जज साहब का अंतिम फैसला क्या हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे पूरी सुनवाई, क्योंकि हम हर सुनवाई की लाइव अपडेट आपके साथ पास पहुँचाते थे, तो उसका मैं निचोड़ निकालूंगा, आप सभी को बताऊँगा डिटेल में। उसके बाद इन्हीं सुनवाई के निचोड़ पर ही निर्भर है कितनी मेरिट होगी। जज साहब इतनी मेरिट की घोषणा करेंगे ये तय हो जाएगा, लगभग इतनी ही करेंगे जितना हम बताएंगे। किसकी जीत होगी, 60-65 की, 40-45 की, या बीच का रास्ता निकलेगा, या डेढ़ गुना बुलाया जाएगा, इन सब की हम बात करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम सब अपने अनुभव और जितनी कोर्ट कार्रवाई सुने हैं उन पे हम बताएंगे, ना कि ये कोर्ट का अंतिम फैसला होगा, लेकिन यही उम्मीद रहेगी मेरिट होने की। उसके साथ साथ मैं उन सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूँ जो वीडियो दे रहे हैं, देख रहे हैं, कि वो चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र वाले हों, हम किसी को ध्यान में रख के मेरिट नहीं बना रहे हैं, हम सभी को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो किसी के भी पक्ष में जा सकता है, किसी के भी पक्ष में जा सकता है, तो उनसे निवेदन है कि वो धैर्य बनाए रखें कोर्ट के रिजल्ट का, कोर्ट के फैसले का, तथा वीडियो में उल्टा सीधा आपत्ति ना दर्ज करें, क्योंकि हम वीडियो किसी के हित, किसी के साइड लेकर नहीं बना रहे हैं, हम स्वतंत्र होकर वीडियो बना रहे हैं। मेरे लिए बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र सभी बराबर हैं, तो यहाँ पे एकदम आप निश्चिंत हो जाएं। ये मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस अभी तक बता रहा हूँ वो है, और पूरी सुनवाई के निचोड़ पर निर्भर करेगा फैसला ये है, तो मैं पूरी सुनवाई का निचोड़ भी दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए। तो देखिए, अभी तक जो सुनवाई हुई थी शिक्षक भर्ती में, उसमें कई बार जो सरकारी पक्ष था वो 60-65 पे अडिग था। हाँ, एक बार खुद सरकारी जो वकील थे उन्होंने कहा है कि हम जितनी भी सीटें हैं उसका डेढ़ गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे, लेकिन ये मेरिट कम करने के पक्ष में कभी नहीं गया, 60-65 ही रहेगी, लेकिन अगर जितनी सीटें हैं उससे डेढ़ गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो इतना तो तय है कि करीब जो 69,000 सीटों में जो 60-65% मेरिट डिसाइड की गई है, इसमें डेढ़ गुना अभ्यर्थी किसी भी हालत में नहीं आएंगे, इसमें करीब बहुत ज़्यादा आएंगे तो 90,000 से 1,00,000 अभ्यर्थी किसी भी हालत में उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि सरकारी जो बात हुई थी कि 90,000 से 1,00,000 अभ्यर्थी जितने भी बुलाए जाएंगे उसमें क्या आपके डेढ़ गुना हो जाएंगे, तो जी नहीं, डेढ़ गुना नहीं होंगे, क्योंकि डेढ़ गुना आपका करीब 70,000 से 1,10,000 के करीब बैठता है, ये मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, आप लोग इस पे कटाक्ष मत करिएगा। 1,10,000 जब ये बैठ रहा है, तो 1,10,000 तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितनी अगर 60-65 पे आप बुला रहे हैं तो आपको और अभ्यर्थी बुलाने पड़ेंगे। अब बात यहाँ पे हो रही कुछ जो ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन हैं उस पे जब नंबर काटे जाएंगे तो इसमें कुछ अभ्यर्थी जैसे कि 3-4 नंबर या 5 नंबर तक जो भी बढ़ेगा उसकी हमने एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो 4-5 नंबर तक बढ़ेंगे, बढ़ने की उम्मीद है उसमें करीब, हाँ उसमें करीब अगर 4-5 नंबर बढ़ता है तो उसमें करीब ये 10,000 से 12,000 अभ्यर्थी और अंदर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे, तब तो यहाँ पे फैसला हो जाएगा कि 60-65 सरकार की तरफ से 60-65 ही रहेगा, लेकिन जब वो काउंट और कम में होगा तो ये अपने आप खुद ब खुद जब नंबर अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों पे मिल जाएंगे तो उनके 4-5 नंबर जब बढ़ जाएंगे जिनके भी जितने हैं लगभग, तो ये खुद 60-65 में ही ये अभ्यर्थी डेढ़ गुना आ जाएंगे। तो ये तो बीएड वालों का पक्ष था। बीएड वालों ने और कहा था कि उन्होंने क्वालिटी गुणवत्ता शिक्षा के लिए ये कट ऑफ रखी है, हाईएस्ट कट ऑफ रखी है, और एक बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का जो कई बार उल्लेख किया था कि ये 60-65 कट ऑफ रखी गई है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो अनुच्छेद 21 है उसका उल्लंघन ना हो इस वजह से, तो इसलिए ये सरकारी पक्षों के, और काफ़ी बातें हुई थी लेकिन हम जो मेन बातें हैं वही बता रहे हैं। अब चलते हैं शिक्षा मित्र की तरफ, तो शिक्षा मित्र वाले कहा है
कि उनका पहला ही कटाक्ष ये था कि जो मेरिट बाद में डिसाइड की गई है क्यों, ये जबकि हर परीक्षा में जब सरकार शिक्षक भर्ती में पहले कर देती है तो इसमें बाद में क्यों, ये सवाल उनका वाजिब था, लेकिन सरकार ने अपने पक्ष में जब रखी थी तो उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्र है मेरिट को पहले या बाद में डिसाइड करने के लिए। चलिए ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो उसके अलावा अब दूसरी बात, जो अंतिम दिन कुछ बातें शिक्षा मित्र के वकीलों ने की है वो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जो अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के नियम का हवाला दिया गया कि जैसे परीक्षा पास करने में 10 गुना बुलाना चाहिए, ये सब है चीज़ें, तो ये सब चीज़ें खैर डिपेंड करती हैं कोर्ट के अनुसार, कोर्ट में अपना क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट के लिए बहुत मायने होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसके अलावा जो शिक्षा मित्रों की कहानी है, शिक्षा मित्र, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जज साहब ने एडमिट किया है इस बात को कि ये जो भर्ती थी वो मेन शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए की गई थी, इसमें बीएड वालों का कोई रोल नहीं था, इसने तो बाद में ऐड कर लिया गया था। तो ये एक बड़ा पक्ष हो सकता है, जो अंतिम दिन बात कही गई है ये एक बड़ा पक्ष हो सकता है। तो इसमें अब जो बात कि जो ये भर्ती थी शिक्षा मित्रों के लिए थी, इसलिए को कटाव को 30-35% 33% से ऊपर नहीं रखा जा सकता, ये अंतिम दिन बोला गया। और इसके अलावा बाकी शिक्षा मित्रों के दलील पे कोई ज़्यादा ठोस वक्तव्य नहीं था, कि उनका कोई ठोस प्रारूप नहीं था जिस पे वो बोल रहे थे, लगातार हार रहे थे, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने कुछ ठोस बातें रखी हैं। इन सबको अभी तक जो बेस बनाया जाए, उन सबको जज साहब ने कई चीज़ों पे कटाक्ष किया था, कटाक्ष आप जज साहब का कटाक्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने पहली बार कहा था कि सरकार ने बाद में मेरिट क्यों डिसाइड की, पहले ही क्यों मेरिट डिसाइड नहीं कर ली जैसा कि वो हर परीक्षा में करती है। दूसरा ये है कि 60-65 ही मेरिट रखी गई, क्यों नहीं रखी गई। एक और कटास था जज साहब का कि सरकार को पता था कि पेपर सरल बनना है या कठिन बनना है, तो बन रहा है तो वो उसी हिसाब से मेरिट को पहले ही डिसाइड क्यों नहीं की। एक और चीज़ है जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने ये भी एडमिट किया है कि जो ये भर्ती शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशली थी, इसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया गया था, तो इस पे ज़्यादातर सीटों पे शिक्षा मित्रों का ही अधिकार है। तो इस पे बार बार जो कटाक्ष है, लेकिन जो अनुच्छेद 21 है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पे काफ़ी कोर्ट ध्यान देगी। तो इन सब बातों को अभी तक जो ध्यान में रखा जाएगा, और कुछ बातें हैं, काफ़ी और बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उस पे हम ज़्यादा डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग लगने लगेगी। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी होगी, कोर्ट का फैसला कितना होगा, कट ऑफ कितनी होगी फाइनल, इसकी हम बात करेंगे कि क्या कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। तो हम आपको बता दें कि कट ऑफ, देखिए कट ऑफ 60-65 या 40-45 या बीच का रास्ता। देखिए सरकार ने खुद एडमिट किया था कि ये जो है कट ऑफ बीच का रास्ता नहीं, वो 1.5 गुना बुलाएगी। तो सरकार, देखिए कोर्ट का पहला पहलू हो सकता है कि जब आप 1.5 गुना बुला रहे हैं तो आप मेरिट को थोड़ा सा गिरा क्यों नहीं देते हैं। जब आप मेरिट को गिराने की बात आएगी, देखिए यहाँ पे 60-65 और 40-45 दोनों मुश्किल है, ये इसमें से ज़्यादातर उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकलेगा, और जहाँ तक पूरी मेरा अनुमान है कि 50-55 ही मेरिट हो सकती है, कोर्ट यही डिसाइड करेगा। अगर सर कोर्ट ये बीच का रास्ता नहीं देती है तो 60-65 बहुत लोग, देखिए शिक्षा मित्र चाह रहे हैं कि 60-65 हो, बीएड वाले चाह रहे हैं कि 60-65 हो, और शिक्षा मित्र चाह रहे हैं कि 40-45 हो। अब इन दोनों पे डिपेंड करता है कोर्ट का डिसीजन, लेकिन कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो होगा वो बीच का ही रास्ता होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे 40-45 इसलिए भी होने के कम चांस है क्योंकि 40-45 बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा फाइट बढ़ जाएगी, फिर सारे शिक्षा मित्र समायोजित हो जाएंगे, बीएड वालों के लिए बहुत कम बचेगा।
और वहीं पे अगर बीच का रास्ता निकलता है तो बीच के रास्ते में दोनों के लिए लगभग बराबर रास्ते हो जाएंगे शिक्षा में तथा बीएड वालों के लिए। हालांकि जो बी शिक्षा मित्रों के लिए है थोड़ा सा जो बोनस पॉइंट मिल रहे हैं 25, वो वहाँ उनका फ़ायदा है, लेकिन ये भी कोर्ट ध्यान रखेगी कि शिक्षा मित्रों को बोनस पॉइंट मिल रहे हैं 25, जबकि बीएड और बीटीसी वालों को इतना नहीं मिल रहा है, बीएड वालों को खासकर कुछ नहीं मिल रहा। तो इस पे भी डिपेंड कर सकता है फैसला, लेकिन अंतिम कटाव बीच का ही रास्ता होने की पूरी उम्मीद है और बीच का ही रास्ता होगा मेरे हिसाब से। 40-45 मुश्किल है और 60-65 अगर बीच का रास्ता भी नहीं तो डेढ़ गुना, अगर कहती है कि जो सरकार डेढ़ गुना का वो दी थी, अगर वो भी कह देती है डेढ़ गुना का, तो ये भी एक बीच का ही रास्ता माना जाएगा डेढ़ गुना अगर बुलाए जाते हैं तो। कुल मिला के बीच का रास्ता निकलना यहाँ से लगभग तय है जज के, जज साहब के उसके अकॉर्डिंग, और ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करिए, जो भी होगा उसमें किसकी जीत होती किसकी हार होती है वो तो फैसला ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से डेढ़ गुना ही होगा फैसला। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, डेढ़ गुना उम्मीद है कि होना चाहिए। अब देखिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, तब तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।